तो गुजरात में कहर बरपाने के बाद अब राजस्थान का रुख प्रदेश में आपको बता दें कि बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है साफ तौर पर। मौसम विज्ञान केंद्र के साथ ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रदेश में रेड अलर्ट, इसके साथ ही कई जगहों पर ऑरेंज और येलो अलर्ट भी है। प्रदेश में 3 से 4 दिन बड़ा तूफान का असर यहां पर रहने वाला है। तूफान के प्रभाव को कम करता हुआ आपको बता दें कि यहां पर कुछ दिनों में जो तूफान का प्रभाव है वो कम होता नजर आएगा। इसके साथ ही फिलहाल तापमान में भी काफी हद तक गिरावट देखने को मिल रही है। 10 डिग्री तक की प्रदेश में तापमान में गिरावट के अनुमान है। जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, इसके साथ ही जालौर, पाली, जैसलमेर और अजमेर जिले में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, बूंदी, चूरू, इसके साथ ही टोंक, सीकर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। तो वहीं बाड़मेर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां आपको बता दें कि 4 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो बिपरजॉय तूफान का साफ तौर पर असर राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आज और कल 16 और 17 को खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है राजस्थान को लेकर। कई जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश, तेज तूफान का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कई इलाके पानी की वजह से, जलभराव की वजह से जलमग्न हो गए हैं, तो कई जगहों पर तेज हवाओं के चलते नुकसान भी देखने को हुए हैं। कई जगहों पर बिजली के पोल टूट कर गिरे हैं, कई जगहों पर पेड़ धराशायी हुए हैं और कई जगहों पर टीन शेड। कल उदयपुर की भी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर एक निजी अस्पताल का जो कांच है वो टूटकर बड़ा सा हिस्सा उसका गिर गया था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उदयपुर की। इसके साथ ही जालौर से तस्वीरें सामने आई जहां पर कई पेड़ टूटकर गिर गए और कई जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है।